नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूँ। सुबह के 9 बजने वाले हैं। खबरें विस्तार से और रफ्तार से देखने का वक्त है, यानी न्यूज 20 का वक्त है। आज की खबरें आपको बता दें कि टाउन हॉल में पीएम मोदी की गौर रक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों को कड़ी चेतावनी। गुजरात के नए सीएम आज लेंगे शपथ और झांसी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक को गृहमंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। तमाम खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत बड़ी खबर से। एक अहम खबर इस वक्त ये आ रही है कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर जेल जाने वाले पूर्व बीजेपी नेता दयाशंकर आज जेल से रिहा हो रहे हैं। वो मऊ जेल में बंद हैं, लेकिन कल उन्हें जमानत मिल गई है। दयाशंकर की रिहाई पर उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका जबरदस्त स्वागत किया। दयाशंकर ने कहा कि पत्नी और बेटी पर बीएसपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की अभद्र टिप्पणी से वो दुखी है। बहुत दिनों से देश हूँ, अपने परिवार से बाहर हूँ। मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी, मेरी बच्ची की तबीयत खराब है। पहले मैं लखनऊ जाऊंगा, अपने परिवार के साथ मिलूंगा, उसके बाद फिर मीडिया से बात। गुजरात में विजय रूपानी आज सीएम पद की शपथ लेंगे। दोपहर करीब 12:45 पर रूपानी गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। सभी विधायकों से बातचीत करने के बाद, सलाह मशवरा के बाद, राज्य को, गुजरात राज्य को एक नए मुख्यमंत्री और नए उप मुख्यमंत्री मिले हैं। इनको मैं बधाई देना चाहता हूं। गुजरात बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद रूपानी ने शनिवार को राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। आनंदीबेन पटेल के इस्तीफा देने के बाद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने विजय रूपानी को सीएम और नितिन पटेल को डिप्टी सीएम के तौर पर चुना। पीएम नरेंद्र मोदी ने गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि इस देश में ज्यादातर गौरक्षक रात में अपराध करते हैं और दिन में गौरक्षा का दावा करते हैं। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। गायों पर हो रही राजनीति के बीच प्रधानमंत्री का ये पहला और सबसे बड़ा बयान है। दिल्ली के टाउन हॉल में पीएम मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे गोरख धंधा करने वाले की एक लिस्ट बनाए। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूँ कि ऐसे जो स्वयं से भी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं, जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। एक सवाल के जवाब में पीएम ने कहा कि जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि हर सवाल का जवाब प्रधानमंत्री से ही पूछा जाता है। यूपी के झांसी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आज अंतिम दिन है। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कार्य समिति की बैठक में कई प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिसमें कृषि पर प्रस्ताव सबसे प्रमुख है। 2017 के चुनाव की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से, किसानों की समस्या की दृष्टि से, इसमें तमाम महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली, निर्णय होने वाली, और हमारी ये रणनीति बनेगी कि आगे चल करके कोई बूथ ऐसा न हो जिस बूथ पर हमारे प्रमुख लोग न रहें और आम जनता को साथ में जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में किसी भी समय अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। यूपी में लोग बलात्कार और लूट के डर से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। जालंधर में आरएसएस पंजाब के सह सर संघ चालक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जगदीश गंगेजा को दो बदमाशों ने गोली मार दी। वारदात में जगदीश गंगेजा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चश्मदीद के मुताबिक जालंधर के ज्योति चौक के पास जगदीश अपनी कार से उतरे, तभी स्कूटर पर आए दो बदमाशों ने पास से उन्हें 3 गोली मारी। स्कूटर फोन लगे थे, उन्होंने स्मॉल वेपन से उनपे फायर किया, उनके पेट में गोली लगी है। जिस वक्त जगदीश गंगेजा पर हमला हुआ, उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। बदमाशों ने जगदीश को गोली मारी और फरार हो गए।
मैं अपने घर की छत पर खड़ा हुआ था, सामने ना फुटपाथ के ऊपर ये बाथरूम कर रहे थे, टॉयलेट कर रहे थे। इतने में एक मोटरसाइकिल से लड़का उतरा, वो इनके साथ में आगे गाड़ी थी, गाड़ी के पीछे जो खड़े थे, तो ये बाथरूम करते हुए तीन फायर किए। मुझे डाउट है कि जैसे फायर हुआ, मैं भागा वहाँ से नीचे, तो मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, पास ही में रहता, तो जब जाकर देखा तो उनके गोलियाँ लगी हुई थी। जगदीश गंगेजा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने कहा है कि इस हमले के दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। आज संघ का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है, गंगेजा कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होने वाले थे। यूपी के इलाहाबाद में एक निजी स्कूल में पिछले 12 सालों से राष्ट्रगान गाने पर बैन के फैसले के खिलाफ शिक्षकों ने बगावत कर दी है। स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ प्रिंसिपल समेत 8 टीचर्स ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रगान पर रोक लगाने वाले इस स्कूल को जिया उल हक नाम का व्यक्ति चलाता है। जिया उल हक की दलील है कि राष्ट्रगान में भारत भाग्य विधाता का भारत शब्द है, और इस पर जिया उल हक को एतराज है क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। ये मुस्लिम अगर ऐसा गाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम ये मानता है कि ईश्वर हमारे भाग का विधाता है और वही भारत के भी भाग का विधाता है। स्कूल टीचर्स के विरोध के बाद अब जब मामला सामने आया तो जिला प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो मैं इसके ये देख रहा हूँ इसकी मान्यता है या नहीं है, अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और अगर मान्यता प्राप्त है तो इससे हम लोग स्पष्टीकरण करेंगे कि आपने इस तरह की क्यों चीजें की हैं, और जो भी चीज उनका जवाब आता है उसके खिलाफ हम लोग आगे एक्शन लेंगे। इलाहाबाद का एमए कॉन्वेंट स्कूल पिछले 12 साल से चल रहा है। शुरुआती जांच के मुताबिक एमए कॉन्वेंट स्कूल बिना सरकारी मान्यता के चल रहा है। यूपी के इलाहाबाद में 5 साल की बच्ची की मौत के बाद लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। आरोप है कि कोई केस दर्ज हुए बिना ही पुलिस बच्ची के मां बाप को घर से उठाकर थाने ले आई और बेवजह दिन भर वहीं उन्हें बिठाए रखा। इस दौरान उनकी बीमार बेटी घर पर तड़पती रही, मां बाप रो रो कर बीमार बेटी के इलाज की दुहाई देते रहे, लेकिन पुलिस ने देर रात उसके पिता को तब छोड़ा जब बच्ची की मौत हो गई। थाने गए अपना रिपोर्ट लेके, मुझे थाने में खुद बैठाल दी है, 9 बजे रात के छोड़े हम का, अपने बिटिया का आवाज है, अपने बिटिया का तबीयत भी खराब थी। बच्ची के पिता सुधीर कुशवाहा का आरोप है कि उसकी जमीन पर इलाके के कुछ भू माफिया कब्जा करना चाहते हैं। भू माफिया उस पर जमीन बेचने का दबाव डालते थे, लेकिन जब सुधीर राजी नहीं हुआ तो कुछ पुलिस वालों ने उसे जबरन थाने बुला लिया। यार मेरी बिटिया बहुत सीरियस थी, हमने बताया कि हमारी बिटिया बहुत सीरियस है, तो इन्होंने नहीं सुना, तो इन्होंने बैठा लिया, तो फिर हम 3 बजे घर आए तो देखो मेरी बिटिया की हालत खराब ज़्यादा थी, और जब यहाँ से अस्पताल इनको रात में छुड़ा के ले गए जमानत करके, तो तब इनको अस्पताल लेके गए तो खत्म हो। इस मामले में फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है और बच्ची की मौत पर यूपी पुलिस के अधिकारियों ने पल्ला झाड़ लिया और चुप्पी साध ली है। रियो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने शानदार शुरुआत की और आयरलैंड को 3-2 से हराया। ओलंपिक में ये 12 साल बाद पहला मौका है जब हॉकी टीम ने पहली जीत हासिल की। भारतीय टीम का अब अगला मुकाबला 8 अगस्त को जर्मनी से होगा। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने हिंदुत्व कार्ड खेला है। सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अयोध्या में एसी सत्संग हॉल का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जनता और संतों का आशीर्वाद मिलेगा तो समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी। तो और तीर्थयात्री जितने बैठे हैं सम्मानित लोग, अगर इनका आशीर्वाद मिल जाएगा मैं समझता हूँ तो समाजवादियों को कोई रोक नहीं सकता, आने वाले समय में हम लोगों को मौका फिर जनता देगी। अयोध्या में भजन स्थल का निर्माण 15 करोड़ रुपए की लागत से होगा। कार्यक्रम में अयोध्या के संत महंत भी शामिल हुए। हमको ऐसा राम मंदिर चाहिए जो दूध के गारा से बना हो, ऐसा राम मंदिर नहीं चाहिए जो खून के गारा से बना हो।